वेलकम टू राजा नाइट यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में देखेंगे फैशन डिजाइन टेक्नोलॉजी ट्रेड की ट्रेड थ्योरी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर आप भी सेटेस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या आईटीआई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सभी क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट होंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर एक से हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर एक में क्या कह रहा है, कह रहा है एक कलेक्शन को डिजाइन करने में पहला कदम क्या है, ठीक है, पहला कदम क्या है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर एक की बात की जाए, है ना, तो क्वेश्चन नंबर यहाँ जो है आंसर सी है ना, सी है। और बट थोड़े सा इसमें आपको क्या करना है, ये थोड़ा सा कंफर्म होना है आपको, है ना, अगर डाउट लगे तो, क्योंकि यहाँ पे जो है एक में भी ट्रिक लगा हुआ है, लेकिन इसके अनुसार यहाँ जो है ए इसका आंसर सी है, ठीक है। आप थोड़ा सा इसको देख लेंगे, ये क्वेश्चन में थोड़ा सा कन्फ्यूजन लग रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर दो का रहा है, ठूस कर भरा गया गोल तकिया जो कि एक परिधान के वक्र भागों को दबाने या स्त्री करने के काम में आता है। तो दो का ऑप्शन है पिन स्टैंड, ऑप्शन बी टेलर हैम, ऑप्शन सी कैंची, ऑप्शन डी पैटर्न सीट, ठीक है। तो दो का आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर थ्री, एक प्रकार की सिलाई मशीन जो धागे की तीन या अधिक रील का उपयोग करती है और सिलाई करते समय अतिरिक्त कपड़े को काट देती है, क्या कहलाती है। ऑप्शन है कैंची, ऑप्शन बी चाकू, ऑप्शन सी सर्जर, ऑप्शन डी पैटर्न कटर। तीन का आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर चार, परिधान विनिर्माण उद्योग में आकार को एक रूप रखते हुए नए स्टाइल बनाने के लिए कौन से पैटर्न टेम्पलेट का उपयोग किया जाता है। तो चार का आंसर क्या है ब्लॉक, ठीक है। सबसे पहले ये कह दें कि अगर आप भी सेटेस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सेटेस एग्जाम की तैयारी के लिए हमारे द्वारा ऑनलाइन क्लास स्टार्ट किया गया है, जिसमें आपको ऑनलाइन क्लास में मैथ रीजनिंग और ट्रेड थ्योरी पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो अगर आप सेटेस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करके भी आप अपनी तैयारी अच्छे कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लास जुड़ने के लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर से जुड़ना होगा, व्हाट्सएप नंबर है 9060 58 42, ठीक है, 9060582842, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इससे अगर ऑनलाइन क्लास आपको भी ज्वाइन करना है फैशन डिजाइन टेक्नोलॉजी ट्रेड की, तो इस व्हाट्सएप नंबर से जुड़ के आप ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करके आप अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। विशेष जानकारी के लिए आपको इस नंबर पे व्हाट्सएप से जुड़ना होगा, वहाँ से आपको डिटेल व्हाट्सएप पे बता दिया जाएगा ऑनलाइन क्लास का, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर पाँच, क्वेश्चन नंबर पाँच का आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर सिक्स, स्लोपर या ब्लॉक से कौन सी प्रक्रिया शुरू होती है। ऑप्शन है फ्लैट पैटर्न मेकिंग, ऑप्शन बी रिवर्स इंजीनियरिंग, ऑप्शन सी ड्राफ्टिंग, ऑप्शन डी ड्रेपिंग, क्या होगा। तो छः का आंसर है ए, फ्लैट पैटर्न मेकिंग। क्वेश्चन नंबर सात, एक पोशाक के लिए आपका आकार जानने के लिए कौन सा माप
आवश्यक है। इसका जो आंसर है, सात का आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर आठ, एक कंप्यूटर प्रणाली जिसका उपयोग डिस्प्ले स्क्रीन पर कपड़ा और परिधान डिजाइन बनाने के लिए किया जाता है। आठ का ऑप्शन यहाँ से आप देख सकते हैं, है ना, ये आपका ऑप्शन है। आठ का आंसर है ए, आठ का आंसर है ए। अगला है क्वेश्चन नंबर नाइन, वह व्यक्ति जिसका खुद का व्यवसाय होता है और जो खुद ही उसको चलाता है वो क्या कहलाता है। ऑप्शन ए है पेशा, ऑप्शन बी व्यवसायी, ऑप्शन सी व्यवसायिक था, ऑप्शन डी पोर्टफोलियो। नौ का आंसर है बी, नौ का आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर दस, फैशन आवश्यक है क्योंकि यह यहाँ आपके सामने ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर इलेवन, सूत के फंदे एक साथ डालकर किस प्रकार के कपड़े का निर्माण किया जाता है। ये आपके ऑप्शन रहे, यहाँ से आप ऑप्शन देख सकते हैं, है ना। ग्यारह का आंसर है बी, बुना हुआ। क्वेश्चन नंबर बारह, फैशन पूर्वानुमान के लिए क्या उपयोग किया जाता है। बारह का आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर तेरह में कह रहा है, समकालीन फैशन जो चल रहे ट्रेंड्स के रूप में दुकानों में दिखाई देता है, है ना, क्या कह रहा है, समकालीन फैशन जो चल रहे ट्रेंड्स के रूप में दुकानों में दिखाई देता है। तो यहाँ पे देखिए, ऑप्शन की बात की जाए तो ऑप्शन ए में क्या कह रहा है, पहनने के लिए तैयार, फास्ट फैशन, ऑप्शन सी मानक कपड़ा कार, ऑप्शन डी पेपर पैटर्न। तेरह का आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर चौदह, वे रंग जो कलर व्हील पर एक दूसरे के ठीक विपरीत होते हैं, देखिए क्या कह रहा है वे कलर जो कलर व्हील पर एक दूसरे के ठीक विपरीत होते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखिए, ठीक होते हैं मतलब वो विपरीत होते हैं, वो क्या कहलाते हैं। ऑप्शन मिलता है, ऑप्शन जो है यहाँ पे मिल जाता है, गहनता, पूरक रंग, मूल्य, छाया, क्या होगा। चौदह का आंसर है बी, पूरक रंग। क्वेश्चन नंबर पंद्रह है, किसी विशेष शैली या अवधारण को विकसित करने या प्रोजेक्ट करने के उद्देश्य से की गई चित्र सामग्री, टेक्स्ट के भाग आदि की व्यवस्था को क्या कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर पंद्रह का आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर सोलह, एक प्रभावी प्रस्तुति बनाते समय सामान्य नियम क्या है, मतलब क्या कह रहा है, एक प्रभावी प्रस्तुति बनाते समय सामान्य नियम क्या है। ऑप्शन ए देखिए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, क्या होगा। देखिए थोड़ा सा बात की जाए, क्वेश्चन नंबर 16 की बात की जाए तो 16 में जो है थोड़ा सा आपको करेक्ट आंसर देखना होगा, है ना। आप करेक्ट आंसर देख करके थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में इसको करेंगे, है ना। एक्चुअली यहाँ जो इन्होंने आंसर दिया है सी दिया है ना, और इस स्टेट का तो जो है आप वहाँ से सर्च करते हैं, कर सकते हैं ना इसके लिए, क्योंकि इसका आंसर जो है सी यहाँ दिया है।
क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है, एक व्यक्ति द्वारा किया गया काम का वर्गीकरण जो आमतौर पर ग्राहकों के पूर्व किए गए कामों के उदाहरण प्रदान करने के लिए दिखाया जाता है, क्या होगा? ऑप्शन ए नेटवर्किंग, ऑप्शन बी फर्निशिंग, ऑप्शन सी ब्लूप्रिंट, ऑप्शन डी पोर्टफोलियो, क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर होगा डी, 17 का आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 18, डिजाइनर जो फैशन वर्ल्ड कस्टम मेड कपड़े बनाते हैं, है ना, क्या कह रहा है? डिजाइनर जो फैशनेबल कस्टम मेड कपड़े बनाते हैं, है ना। अच्छा, ऑप्शन जो है यहाँ मिलता है ए बी सी डी, आप ऑप्शन देखें यहाँ से फिर आंसर बता देंगे। 18 का आंसर है ए, 18 का आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 19, आप एक द्वितीयक रंग कैसे बनाते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना, द्वितीयक रंग कैसे बनाते हैं, हाउ डू यू क्रिएट ए सेकेंडरी कलर। यहाँ आपके साथ ऑप्शन मिलता है एक प्राथमिक और एक द्वितीयक रंग का आपस में मिलाकर, ऑप्शन बी मिलता है दो प्राथमिक रंगों के को एक साथ मिलाकर, ऑप्शन सी है तीन प्राथमिक रंगों को एक साथ मिलाकर, क्या होगा? 19 का आंसर है बी, दो प्राथमिक रंगों को एक साथ मिलाकर। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 एंड लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो के लिए, पैटर्न उत्पादन में एक पैटर्न पीस के कई आकार बनाना शामिल है, इसे पूरा करने के लिए कंप्यूटर या हाथ से कौन सी प्रक्रिया की जाती है। तो 20 की बात की जाए तो 20 का जो है यहाँ पे ऑप्शन है प्रसरण, ऑप्शन बी ग्राइंडिंग, ऑप्शन सी इकाई उत्पादन, ऑप्शन सी विपणन, क्या होगा? 20 का आंसर है बी, ठीक है, 20 का आंसर बी। अगले क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, है ना, ये पार्ट 5 है, अगले क्वेश्चन हम लोग पार्ट 6 में देखेंगे, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।